आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में संगठन की मजबूती और चुनावी जीत की रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी इस महीने में जयपुर में अहम बैठक करने जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी राजस्थान चुनाव में वापसी की रणनीति तय करेगी ताकि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया जाए। लेकिन मामला केवल राजस्थान का ही नहीं है, बीजेपी की इस बैठक में गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक पर भी चर्चाएं होंगी। पार्टी के नेता और रणनीतिकार अगले लोकसभा चुनाव में संभावित विपक्षी एकता संभावना पर भी बहस करेंगे। यह बात तो और है कि अभी बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में टक्कर देने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी में कोई भी जमीनी मजबूती नहीं दिखती और ना ही हर किसी विपक्षी एकता की संभावना की गुंजाइश दिख रही है। फिर भी बीजेपी यह मान कर चल रही है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की गुंजाइश बनती भी है तब वह आगे क्या करेगी। जयपुर की बैठक को इसी नज़रिए से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर मंथन जारी है कि सबसे पहले चुनावी राज्यों में बीजेपी की वापसी के लिए जहां संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है, वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को फिर से जीत हासिल करनी है तो एनडीए के कुनबे को बढ़ाया जाए। पार्टी के कई नेता दबी जुबान से मान रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में एनडीए के घटक दल लगातार बाहर निकलते गए हैं, अगर एनडीए से और क्षेत्रीय दलों को नहीं जोड़ा गया तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक जयपुर की बैठक में इस पर अहम चर्चा होगी और पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को देश के कई छोटे छोटे दलों को एनडीए के साथ जोड़ने के काम में लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।